हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट ऑटोमोबाइल चैनल व्रूम लव। आज हमारे सामने है ह्यूंडई की ईवी आयोनिक 5 और आप इसका डिजाइन देख सकते हैं सामने से। ये फ्लैगशिप ईवी है अभी इंडिया में ह्यूंडई की और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और काफी ज्यादा लग्जरी लगती है ये। इसके करते हैं सारा एक बैकग्राउंड और जानते हैं इसके फीचर्स क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट डिजाइन को आपको दिखाऊं तो फ्रंट डिजाइन देखिए इसका। ये जो इलेक्ट्रिक अभी गाड़ियां आ रही है, जो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है ह्यूंडई का, वो उसी पे है पूरा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको LED DRLs मिलते हैं और ये बहुत ही शानदार लगते हैं जब ये ग्लो करते हैं। और यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई है, ये भी LED है। इसमें आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट फ्रंट पार्किंग सेंसर ज़रूर मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा ल्यूमिनेट करता है, बड़ा शानदार लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे आपको 360 के लिए फ्रंट पार्किंग कैमरा भी दिया गया है, फ्रंट कैमरा है यहाँ पे। और ये ह्यूंडई का लोगो हो गया। और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। ये पूरा डिपार्टमेंट देखिए आप, कितना ज़्यादा बिजी सा लग रहा है और कितना ज़्यादा स्पॉटी है। सिल्वर एक्सेंट है ये सारा, क्रोम इस गाड़ी में कहीं नहीं दिया गया, सारा सिल्वर एक्सेंट है। और बीच में ये पियानो ब्लैक फिनिश की पट्टी दी गई है, बड़ी लग्जूरियस बनाती है इसको ये, और बहुत ही शानदार लग रही है गाड़ी आगे से। अब हम आप ऊपर चलें तो यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है, ये है ADAS के लिए, यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है। और ये है इसके वाइपर्स जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, एरो ट्विन क्वालिटी के हैं। अब अगर साइड की बात करें तो साइड में इसका जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन देखिए आप एक बार, कितना एस्थेटिक लगता है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसका एक बार डिज़ाइन देखिए, बड़ा शानदार लग रहा है। आप ये देखिए, ये इसका जो यहाँ पे स्किड प्लेट है ना, पूरी वो जा रही है। यहाँ पे भी कंपनी ने ब्लैक का काम नहीं किया है, ये सिल्वर कलर की यहाँ पे स्किड प्लेट्स मिली है इस गाड़ी को पूरे को। और इसका एक बार एलॉय डिज़ाइन देखिए आप। टायर की बात करें तो ये 255, 45, R20, 20 इंच के अलॉय व्हील्स, इसमें व्हील्स मिलते हैं। और टायर बहुत चौड़े हैं भाई, इसके बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे, वो है इसका अलॉय व्हील का डिज़ाइन। सबसे पहले तो ये डुअल टोन में आता है, ये इसमें सिल्वर फिनिश भी दी गई है और ये पूरा ब्लैक है और ये पियानो ब्लैक फिनिश है, बड़ा शानदार लग रहा है। बीच में आपको ह्यूंडई का यहाँ पे लोगो भी मिलता है। और ये पूरा जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आपको ये देखिए डिज़ाइन दिए गए हैं गाड़ी में, सारी जगह आपको सारे डिज़ाइंस मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कंपनी ने इस पर काम किया है इस गाड़ी में। और यहाँ पे स्किड प्लेट में जो यहाँ से ये देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे आगे दिखाया था, ये जो पियानो ब्लैक फिनिश आ रही है, ये यहाँ से भी कैरी करते हुए ये पीछे जा रही है और ये पीछे से फिर पीछे भी जा रही है। अभी जब मैं आपको पीछे दिखाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ये हो गया सारा, यहाँ पे ये जो स्किड प्लेट्स थी ये देखिए, यहाँ पे ये फिर से डिज़ाइन आ गया, बड़ा ही शानदार। और यहाँ पे आपको साइड में कट एंड क्रीजेस भी दिखेंगे गाड़ी में, ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए कट एंड क्रीज आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो गाड़ी का जो साइड लुक है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। अब बात करें अगर ORVM की, तो ORVM पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये भी LED है, कंपनी ने हर जगह LED का काम किया है। अब यहाँ पे आपको 360 के लिए कैमरा दिया गया है यहाँ पे, और आपको ORVM पे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है इसमें। अब बात करें इसके डोर हैंडल्स की, तो डोर हैंडल्स ऐसे आपने XUV700 में देखे हुए हैं और ये आपने लैंड रोवर की गाड़ी में भी देखे हुए होंगे, यहाँ भी आपको ऐसे ही मिलता है। अब बात करें अगर इसके इंटीरियर की, तो चलते हैं पहले फ्रंट इंटीरियर में और देखते हैं इसका फ्रंट इंटीरियर कैसा है। पहले अगर डोर की बात करें तो डोर पे देखिए कितना मस्त ये इसका जो अभी इल्यूमिनेशन यहाँ पे हो रहा है, कितना शानदार लग रहा है। और ये पूरी गाड़ी में है, मैं अभी दिखाऊंगा। बात करें यहाँ की, तो ये पूरा सॉफ्टेस्ट मटेरियल है और ये है तो प्लास्टिक ही, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ये लग ही नहीं रहा कि ये प्लास्टिक है। यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश दी गई है, कहीं भी क्रोम नहीं है, ये पूरा आपको लेदर दिया गया है, सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ये देखिए, ये आपको यहाँ पे मार्बल सी फिनिश दी गई है, ये भी इसको प्रीमियम टच दे रही है। कंपनी ने प्रीमियम गाड़ी को बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी। यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हो और ये आपकी कोई फाइल रखने की जगह भी यहाँ पे दी गई है। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे पर्पल कलर की जो एक्सेंट है, लाइट है, वो यहाँ पे भी है। बोस का इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है और यहाँ पे इसके चारों तरफ ही इल्यूमिनेटेड सर्कल है, बड़ा शानदार लग रहा है। यहाँ पे आपको गेट पे ही यहाँ पे आपको आयोनिक 5 का बैज मिल जाता है और ये सारे इसके टायर्स का वगैरह का इन्फॉर्मेशन हो गई। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या खास है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ट्विटर मिलता है और नीचे आपको स्पीकर मिलता है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसका मिल जाता है, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे दिख जाते हैं
और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और ये है इसका इलेक्ट्रिक टेल गेट का फंक्शन। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट भी आपको मिलता है। नीचे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ब्रेक और एक्सीलेटर मिलता है, और यहाँ पे आपको डेड पेडल भी मिलता है, ये रहा। और ये हो गया इसका मर्सिडीज स्टाइल में गियर लीवर। अब अगर इसके स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें आपको टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, और यहाँ पे आपको ये जो डॉट्स देख रहे हो, इसकी एक कहानी है। ये इस Hyundai का ही नाम है, और ये कैसे है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, नहीं पता तो गूगल पे सर्च कीजिए और फिर कमेंट में जरूर लिखिए। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं दोनों तरफ, और ये जो आप देख रहे हो ये कैपेसिटिव टच है। यहाँ पे ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे कैपेसिटिव मिलते हैं। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी ऑन करके। यहाँ पे गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप बटन है, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको कैपेसिटिव सारे टच मिलते हैं। ये सारा ADAS का फंक्शन हो गया, क्रूज कंट्रोल का फंक्शन हो गया, और यहाँ पे आपको म्यूजिक का कंट्रोल, ब्लूटूथ कंट्रोल, कॉल कंट्रोल सारे मिल जाते हैं। ये हो गया इसका ड्राइव मोड, यहाँ पे ड्राइव मोड मिलते हैं आपको अलग अलग मिलते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया पेडल शिफ्टर्स यहाँ मिलते हैं। ये हो गया इसका ऑटोमेटिक वाइपर एंड वॉशर का कंट्रोल, और ये हो गया इसका ऑटोमेटिक LED हेडलाइट से कंट्रोल एंड टर्न इंडिकेटर से कंट्रोल। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पे आपको इसमें मिलता है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ इसका कैसा आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है। ये देखिए बड़ा ही फ्रेश और बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक सा ये डिज़ाइन लगता है इसका। ये देखिए कितना शानदार ये लग रहा है। और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये बड़ा शानदार लग रहा है मुझे। ये दोनों जो इसका एक जो कनेक्टेड, ये जो एक फील दे रहे हैं ना कनेक्शन की, ये देखो, ये आपने XUV700 में भी देखा होगा, बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है कि यह सेल्टोस में भी ये आता है, बड़ा ही शानदार लग रहा है। अब अगर मैं ऊपर की बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पे आपको पूरा ये ऐसे वाला प्लास्टिक ही मिलता है, जो ये बड़ा ही लग्जूरियस सा प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक है लेकिन लग नहीं रहा प्लास्टिक है, पता नहीं कैसा है। यहाँ पे आपको यही मिलता है, ये आपको एक ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पे वूफर मिल जाता है, और ये देखिए ये जो स्लीक सिल्वर का यहाँ पे एक्सेंट जा रहा है, ये बड़ा ही इसको प्रीमियम टच दे रहा है। ये इसके हो गए AC वेंट्स, और यही ये वाला इल्यूमिनेशन मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, और ग्लव बॉक्स भी इसका बड़ा ही अजीब तरीके से खुलता है, आपने अब तक ऐसा नहीं देखा होगा। ये देखिए ये पूरे का पूरा ऐसे बाहर आता है, जैसे हमारे अलमीरा से ड्रॉर बाहर निकलता है, ये देखिए ये ऐसे बाहर आता है पूरा। अब ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है और लाइट्स के साथ आता है। फीचर्स इसमें सारे मिलेंगे आपको क्योंकि इतनी महंगी कार है। अब अगर ऊपर चले तो यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिरर मिलता है विद लाइट, और ये मैनुअली एडजस्टेबल है, आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मिरर मिलता है विद लाइट, यहाँ इसको भी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इसका फंक्शन मिलता है, ये है इसका सनरूफ का, और ये है इसके जो इंटीरियर की फ्रंट केबिन लाइट्स है उसका कंट्रोल, ये है SOS का कंट्रोल, और ये है ब्लू लिंक, Hyundai ब्लू लिंक का कंट्रोल। अब अगर मैं इसका सनरूफ आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितना बड़ा ग्लास मिलता है आपको ऊपर, इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए आप ये पूरा देखिए एक बार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है पूरा। आपको जो इसका जो छत मिलती है गाड़ी की, वो पूरी आपको ग्लास की मिलती है, बड़ी शानदार चीज़ है। ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे ADAS का जो पूरा फंक्शन है उसके लिए ये पूरा सेक्शन आपको दिया गया है। ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, यहाँ पे डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, और ये इसके सारे टच स्क्रीन के सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये कैमरे का फंक्शन है, आप कैमरा देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपको वेंटिलेटेड भी मिलती हैं। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, गाड़ी जितनी ज़्यादा बड़ी है स्पेस का Hyundai ने उतना अच्छे तरीके से यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस आपको मिलता है, और ये बड़ा ग्रिपी सा आप यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज़ किया है, बड़ा ग्रिपी सा है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैं एक बार गाड़ी ऑन कर देता हूँ तब आपको दिखेगा। ये आपको बटन दबाना पड़ेगा यहाँ से, और ये देखिए वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको मिलती है, और यहाँ पे भी आप दूसरा फ़ोन भी रख सकते हो। ये आप इसका हो गया सेंटर आर्मरेस्ट फ्रंट में, और ये स्लाइडिंग नहीं मिलता है लेकिन ये इतना बड़ा है कि ये आगे तक आ जाए। अब अगर मैं इसके खुलने की बात करूँ तो ये भी खुलता है, और इसमें भी स्पेस है, गाड़ी में स्पेस बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे आगे भी स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको USB ऑप्शन मिलता है, और 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिलता है। और ये थी सारी कहानी आगे की। आगे ऐसा कुछ नहीं रहा है, सारा मैंने आगे का कवर कर लिया है। हाँ, यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। इसकी जो सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, और इसकी जो फ्रंट सीट्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें वेलकम फीचर भी मिलता है, ये देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी बंद की इसमें वेलकम फीचर भी है। अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। सबसे पहले सीट्स मेमोरी फंक्शन के साथ आती है, फिर दूसरी बात ये सारी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है,
इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इसको आप रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो, इसमें आप जो आपका कमर का सपोर्ट होता है, लंबा सपोर्ट होता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो ये थाइज का, ये जो एक्स्ट्रा थाई का सपोर्ट है, ये भी आपको मिलता है। गाड़ी में कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है और ये यहाँ पे पूरा पूरा फ्लैट मिलता है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों कंट्रोल के साथ आता है। गाड़ी में फीचर्स बहुत भर भर के दिए गए हैं। ये इसका पूरा फ्रंट का हो गया। अब चलते हैं पीछे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये इसकी की है। की बड़ी ही प्रीमियम है। मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। पीछे आपको हुंडई का लोगो मिलता है और आगे आपको मिलता है डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन। ये हो गया इसका चार्जिंग का ऑप्शन, ये हो गया इसका जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है, बूट ओपनर है उसका फंक्शन, और ये हो गया इसका रीस्टार्ट का फंक्शन। सारे ही फीचर्स इसमें आते हैं। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स भी आपको मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस को कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं पीछे और पीछे चलते हैं, इसके सारे फीचर्स देखते हैं। पीछे ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से आपको एक कट दिया गया है, ये जो क्रीज दी गई है ये यहीं तक आती है और यहाँ पे आके ब्लेंड हो जाती है। बड़ा ही अच्छा डिज़ाइन है। अब अगर पीछे चले तो पीछे सबसे पहले डोर की बात करें, वही पूरा सॉफ्ट टच आपको पूरा मटेरियल मिलता है। ये सॉफ्ट टच है, यहीं पे आपको वो अच्छी सी प्लास्टिक की जो फिनिश है वो मिलती है। ये आपको सिल्वर एक्सेंट मिलता है सारा, और यहाँ पे आप बोतल रख सकते हो अपनी, और ये डॉक्यूमेंट की जगह है यही। फिर एल्यूमिनेटेड सर्कल स्पीकर के पास, इसमें आपको मैनुअल सन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं। और एक चीज़ पीछे आप बहुत शानदार, इसकी लग जा भाई, चलो इसे छोड़ो, एक चीज़ यहाँ पे और शानदार मिलती है जो आपको 50 लाख तक की गाड़ी में किसी में नहीं देखने को मिलेगा, वो है इसका हीटेड सीट का फंक्शन। ये आपको इस प्राइस रेंज तक किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही यूनिक फीचर है, फर्स्ट इन सेगमेंट है। मैंने अब तक ये 50 लाख की किसी भी गाड़ी में ये फीचर ना तो सुना और ना ही देखा। अब अगर अंदर की बात करें तो अंदर सबसे, ये खोल ही लेते हैं, ज़्यादा लाइट आएगी। अब अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं सबसे पहले ही देखते ही। यहाँ पे आपको नीचे दो यूएसबी ऑप्शन मिल जाते हैं और ये जगह है फ़ोन रखने की। अब ये जो पिछली सीट्स हैं, यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है बिटवीन कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलता है विद एलईडी लैंप, इधर भी सेम है, डोर हैंडल मिलता है विद एलईडी लैंप, और यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाता है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी मिल जाते हैं, दोनों तरफ मिल जाते हैं। और ये है इसका पीछे की सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए। इसमें पिछली सीट्स भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, वो देखिए कैसे। अब अगर मैं ये दबाऊंगा लेफ्ट वाला तो ये लेफ्ट वाली सीट्स आगे जाएगी, ये देखिए, और ऐसे ही ये पीछे जाएगी। ये है राइट साइड का। अब मैं देखिए मैं आगे जाऊंगा, ये देखिए मैं आगे जा रहा हूँ। फीचर्स बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, गाड़ी को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, बहुत सारे फीचर्स हैं। अब अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस देखिए बहुत ज़्यादा है, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और तब भी आप स्पेस देख सकते हो कितना ज़्यादा है। गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हो आराम से, अंडर थाई सपोर्ट इसमें काफ़ी अच्छा है। और जो सीट्स की फिनिश है वो बहुत शानदार है, पूरा आपको लेदर इंटीरियर मिलता है। अब अगर मैं पीछे से आपको एक बार इसका फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊँ तो इसका डैशबोर्ड देखिए आप, कितना लग्जूरियस सा लगता है, और मतलब सबसे अलग सा लगता है। इसकी जो एक वाइट टोन है, ये पूरी जो वाइट, इसको ये कलर थीम दी गई है, ये इसको काफ़ी फ्रेश और यूनिक इंटीरियर बनाता है। काफ़ी ज़्यादा मन सा लगता है इस गाड़ी में बैठ के, काफ़ी अच्छा लगता है। सारे को आपको सॉफ्ट टच मटेरियल इसमें देखने को मिलता है, सॉफ्ट टच मटेरियल की भरमार है। ये हो गया पीछे का, ये मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। और यहाँ पर भी आपको आयनिक 5 की बैजिंग मिलती है। अब चलते हैं इसके पीछे और पीछे देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको इसका चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है, आप इसको यहाँ पे बटन दबाएंगे, दब जा भाई, हाँ, और यहाँ पे इसको आप चार्ज कर सकते हो। और ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, अब इसको आप दबाओगे तो ये अपने आप बंद होगा। कमाल के फीचर है, बड़ी गाड़ियों में यही सारी कमाल की चीज़ें होती हैं। आपको खुद से कुछ नहीं करना होता, सारी चीज़ें आपको आराम से अपने आप दी गई है। और यहाँ पे आप देखिए कितना मस्त ये फिर से डिज़ाइन लग रहा है मुझे, इसका एलॉय का डिज़ाइन बड़ा प्यारा लग रहा है। और इसमें आपको चारों जो व्हील्स होते हैं उसमें आपको एलॉय व्हील दिए गए हैं, सारे इसमें व्हील्स दिए गए हैं, एलॉय व्हील दिए गए हैं सॉरी। और यहाँ पे जो मैं आपको ये कह रहा था ना कि बाद में बताऊँगा जब पीछे से लेंगे, ये वाली जो ये ब्लैक पट्टी आई है ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरी गाड़ी में कैरी हो रही है और बड़े शानदार तरीके से हो रही है। अब अगर पीछे की बात करें तो पीछे आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको रियर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 4 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है,
और इसका जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी कैसे खुलेगा। पहले फीचर्स की बात करें तो ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, हुंडई का लोगो मिल जाता है और यहाँ मिल जाता है आयनिक 5 का लोगो। और ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो ये सारे के सारे इल्यूमिनेट होते हैं, जलते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ से आपको एक बटन दबाना है और ये अपने आप होगा। ये देखिए इसमें आप बूट स्पेस की बात करें तो एग्जैक्टली मुझे अभी फिगर्स नहीं पता, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा। बूट स्पेस इसमें बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि आप एक बड़े अच्छे हट्टे खट्टे इंसान को यहाँ पे लटा के ले जा सकते हो। अगर कोई ट्रिप पे जा रहा है तो बहुत सारा यहाँ पे स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। ये सारी इसकी मोबिलिटी किट वगैरह है, ये इसके टूल्स है, सारे स्पेयर टूल्स हैं। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो ये चीज़ आप देख रहे हो ये इसके पिलो हैं, रियर पिलो। कम्फर्ट के लिए गाड़ी में सारे एफर्ट्स किए गए हैं कंपनी की तरफ से। और यही है सारी इसकी पूरी इसकी बूट स्पेस की कहानी। यहाँ पे आपको एक हैंडल भी मिलता है और ये आपको सिर्फ बटन दबाना है और बटन दबा के ये दोबारा बंद हो जाएगा। थोड़ा अपना स्वीट टाइम लेता है लेकिन काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो ये थी पूरी आयनिक 5 की एक हमारी वीडियो। इसको इस गाड़ी में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब बताना हमें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन। हाँ, ये जो मैं आपको एक फीचर बता रहा था ये देखिए, जैसे ही मैं अब गेट खोलूँगा तो गाड़ी जो गाड़ी की फ्रंट सीट है, ड्राइवर सीट है, वो पीछे जाएगी। ये देखिए तो इसमें वेलकम भी मिलता है। सो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।